सबसे पहले हम असम राइफल नई भर्ती 2023 डिटेल्स चेक करेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम असम राइफल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे असम राइफल नई भर्ती 2023 के बारे में, जिसकी एक नई अपडेट जारी कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम असम राइफल नई भर्ती 2023 डिटेल्स चेक करेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम असम राइफल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 81 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो हमारा जॉब लोकेशन असम रखा गया है। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम राइफलमैन एंड राइफलमैन ओमेन जनरल ड्यूटी स्पोर्ट कोटा के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम अप्लाई मोड की बात करें तो हमारा अप्लाई मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम असम राइफल नई भर्ती 2023 एज लिमिट की बात करें तो हमारा एज 1/8/2023 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम राइफलमैन मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 28 साल तक रखा गया है, यानी 18 साल से लेकर 28 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम राइफलमैन ओमेन की बात करें तो 18 साल से लेकर 28 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम एस सी एस टी कैंडिडेट की बात करें तो 5 साल की छूट और ओ बी सी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जा सकती है। असम राइफल नई भर्ती 2023 एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमारा एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 0 फीस, यानी एससी एसटी को कोई भी पैसा पे नहीं करना है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फीस पे कर पाएंगे। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम असम राइफल नई भर्ती 2023 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर हम चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 82-85 सेंटीमीटर रखा गया है। फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट यानी पीईटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अगर हम टाइम की बात करें तो 24 मिनट टाइम दिया जाएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की दौड़ लगानी है। अगर हम टाइम की बात करें तो 4 मिनट टाइम दिया जाएगा। अगर हम असम राइफल नई भर्ती 2023 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले टाइम की बात करें तो 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो हमारा मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन मोड रखा जाएगा, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद हमारा मीडियम ऑफ पेपर की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर हम क्वेश्चन टाइप की बात करें तो हमारा क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स के लिए एग्जाम होने वाली है। अगर हम असम राइफल नई भर्ती 2023 टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। सेकंड पार्ट्स की बात करें तो जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। तीसरे पार्ट में हमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजॉइनिंग के क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। चौथे पार्ट में नमरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रखी गई है। अगर हम असम राइफल नई भर्ती 2023 वैकेंसी डिटेल्स देखें तो सबसे पहले फुटबॉल के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 5 वैकेंसी रखी गई है। एथलेटिक्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 12 वैकेंसी रखी गई है। रोइंग की बात करें तो रोइंग के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 5 वैकेंसी रखी गई है। इसी तरह से आप अपना सभी वैकेंसी देख पाएंगे।
अगर हम असम राइफल नई भर्ती 2023 सैलरी और पे स्केल की बात करें तो हमारा सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 तक एक्सपेक्टेड रखा गया है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन हमें देना है, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर आप भी इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। जैसे ही इसकी कोई और भी नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।